In this lecture, we will discuss some important sessions of Indian National Congress. This is very important for BPSC. So, अभी बस 25-24 दिन बाकी है BPSC के लिए और INC से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. 67th में भी पूछा गया था, तो इसका चांस बहुत ज़्यादा है. आप एक दो नंबर इससे फिक्स कर सकते हो, मुश्किल से 10 मिनट में आप सारे INC सेशंस कवर कर सकते हैं. तो 1885 में बॉम्बे में हुआ था, 1885 वाला काम हुआ था बॉम्बे में. इसी समय में INC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. INC कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था और इसको इस्टेब्लिश करने में किनका हाथ था, तो OM 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था और इसी समय इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये कब फाउंडेड हुआ था, 28 दिसंबर 1885. और इसको जो है वो कौन से AO Hume जो है ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. और पहले 1885 में जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन से बने थे, डब्ल्यू सी बनर्जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था. फॉर्मेशन ऑफ INC एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज विच वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स. नेक्स्ट सेशन 1886, ये कहा हुआ था कैलकाटा में और दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रेसिडेंट कौन है, दादा भाई नौरोजी. 1886 कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था और इसको 436 मेंबर्स डेलीगेट्स जो है अटेंड किया हुआ था. 1886 में हुआ था, कहाँ हुआ था, कैलकाटा में. सबसे पहले 1885 में कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में. किसने किया था, डब्ल्यू सी बनर्जी इसको प्रिसाइड किया था. 1886 वाला कोलकाता में हुआ था, यानी कैलकाटा तब बोला जाता था. ये किसने किया था, दादा भाई नौरोजी. मोस्ट इंपॉर्टेंट 1887 का ये क्वेश्चन BPSC में पूछा भी गया था और फिर से पूछने का चांस है. 1887 में कहाँ पे हुआ था, मद्रास में. ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, कौन है ये, बद्रुद्दीन त्याब जी. ये पहले मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट बने थे. 1887 मद्रास में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना. 1887 मद्रास में हुआ था, बरुद्दीन त्याब जी ने किया था. नेक्स्ट 1888, ये कहाँ हुआ था, अलाहाबाद. शुरू के तीन ऐसे याद कर लो कि अंग्रेज का जो तीन सेंटर था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, तीन इंपॉर्टेंट था 1885, 1886 और 1887. पहला 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी, सेकेंड 1886 में कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी, 1887 में मद्रास में हुआ था, इसको बरुद्दीन त्याब जी ने किया था. 1888 वाला अलाहाबाद में हुआ था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इससे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है. जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो है ये बने थे जॉर्ज यूले. 1889 वाला फिर कहाँ हुआ, बॉम्बे में. 1885 वाला बॉम्बे में हुआ था और 1889 वाला फिर से कहाँ हुआ, बॉम्बे में. इसका कौन प्रेसिडेंट था, ये विलियम बेडरबर्ग. ये कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ऑल एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया. नेक्स्ट 1890 अगेन कैलकाटा, 1886 में कैलकाटा में हुआ था दादा भाई नौरोजी, 1890 वाला जो हुआ था 4 साल बाद कैलकाटा में हुआ था और इसको जो है इसके प्रेसिडेंट थे ये फिरोज शाह मेहता. डिसीजन टेकन टू ऑर्गेनाइज अ सेशन ऑफ कांग्रेस इन लंदन, इसमें क्या हुआ था, डिसीजन लिया गया था कि ऑर्गेनाइज करेंगे कांग्रेस का एक सेशन लंदन में. नेक्स्ट 1895 वाला कहाँ पे हुआ था, पूना में. 1895 इसको लीड किसने किया था, SN बनर्जी ने. इसमें जो इसका सिग्निफिकेंस क्या था, डिमांड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ओनली फॉर एजुकेटेड क्लास. इसमें रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का डिमांड किया गया था, लेकिन किसके लिए, सिर्फ एजुकेटेड. 1895 पूना में हुआ था, SN बनर्जी ने किया था और क्या ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के लिए डिमांड किया था, एजुकेटेड क्लास के लिए रिप्रेजेंटेशन का डिमांड किया गया था 1895 में. सो फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, 1885 कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में. किसने कौन था इसका प्रेसिडेंट, डब्ल्यू सी बनर्जी. 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसको लीड किया था. 1887 मद्रास, बद्रुद्दीन त्याब जी. 1888 अलाहाबाद में जॉर्ज यूले. 1889 बॉम्बे, विलियम वेड्रम ने किया था. और 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता ने किया था. नेक्स्ट 1895 में हुआ पूना, SN बनर्जी ने इसको रिप्रेजेंटेशन दिया था.
नेक्स्ट 1898 वाला मद्रास में हुआ था, इसको आनंद मोहन बोस ने लीड किया था और ये सोशल रिफॉर्म वाज सेट एज द मेन गोल। इसका सिग्निफिकेंस क्या था 1898 वाले का, सोशल रिफॉर्म वाज सेट अप एज द मेन गोल। फिर 1905 में कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था, इसको लीड किया था गोखले ने, जीके गोखले। इसमें रेजोल्यूशन टू बॉयकॉट, इसमें क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट वाज एक्सेप्टेड। अगेन 1906 में कैलकटा में हुआ था, इसको किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। अगर आपको याद आ रहा हो तो 1886 वाला भी दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी को, चलो एक क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करो। 1906 में कैलकटा, दादा भाई नौरोजी, और इसमें क्या हुआ था, इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आईएनसी जो है एक्सेप्ट कर लिया था किसका, स्वदेशी मूवमेंट रेजोल्यूशन का। नेक्स्ट आया था 1907, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था 1907 में, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, और 1907 वाला सूरत स्प्लिट नाम से भी जाना जाता है। इसको जो लीड किया था ये रास बिहारी बोस ने किया था, 1907 मद्रास में हुआ, इसको भी रास बिहारी बोस ने ही, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड था उसके। 1916 इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस 9 साल बाद कांग्रेस का मर्जर हो गया था, ये 1916 में सूरत में काम हुआ था, स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में, 1916 लखनऊ में हुआ था, और इसको एसी मजुमदार ने लीड किया था, मतलब प्रेसिडेंट एसी मजुमदार जी थे। और इसको क्या हुआ था इसमें कि कांग्रेस का मर्जर हुआ था, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, क्या हुआ था, पैक्ट विथ मुस्लिम लीग मेडिएटेड बाय एनी विसेंट, पैक्ट विथ मुस्लिम लीग मेडिएटेड बाय एनी विसेंट। इसमें मुस्लिम लीग का एक पैक्ट पास हुआ था, और इसको मेडिएशन मतलब समझौता करवाने में एनी विसेंट थी। जो मैंने येलो कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का ही याद कर लेना। नेक्स्ट है 1917, अब 1917 में कौन थी, कलकत्ता में हुआ, इसको एनी विसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट 1917 में कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, कौन बनी थी, ये पूछ रहा वुमेन प्रेसिडेंट है, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ वुमेन प्रेसिडेंट, क्योंकि ये एनी विसेंट इंडिया की नहीं है। नेक्स्ट है 1920 में नागपुर में हुआ था, इसको लीड, इसके प्रेसिडेंट जो थे सी विजय राघवाचारियार थे, सी विजय राघवाचारियार। इसमें क्या हुआ था, इसका सिग्निफिकेंस था एक्सेप्ट द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन, इसमें क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, और गांधी जी का प्रोग्राम जो था उसको भी अडॉप्ट कर लिया था। 1921 आया, वो कहाँ पे हुआ, 1921 में अहमदाबाद का है, हकीम अजमल खान, इसको लीड किसने किया था, हकीम अजमल खान ने। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हसरत मोहानी डिमांडेड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसमें 1921 अहमदाबाद में हुआ था, इसको लीड किया था हकीम अजमल खान, और इसका सिग्निफिकेंस यह है कि हजरत मोहानी डिमांड किए थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। 1922 में गया में हुआ था, ये 67th बीपीएससी में पूछा गया था 1922 का किसने कौन था प्रेसिडेंट, लेकिन 1922 में गया में हुआ था, और ये इसका प्रेसिडेंट जो थे, इसके प्रेसिडेंट जो थे ये चितरंजन दास थे। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, इसमें क्या हुआ था, 1922 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। फिर 1924, ये एक ऐसा सेशन है जिसमें गांधी जी लीड लिए थे, और ये कहाँ पर हुआ था 1924 वाला, बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी ने इसका लीड लिया था, मतलब प्रेसिडेंट बनाए थे। ये एक सिर्फ ऐसा सेशन बेलगांव वाला 1924 में जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 1925 कहाँ पे हुआ था, कानपुर वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंडियन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में, सरोजनी नायडू कानपुर वाले में, और 1917 में कानपुर कलकत्ता में हुआ था एनी विसेंट, 1924 में बेलगांव महात्मा गांधी, और 1922 में चितरंजन दास। फिर 1927 वाला में होता मद्रास में, इसमें कौन बना था, एमए अंसारी। 1927 वाला कहाँ पे होता है, मद्रास में, एमए अंसारी इसके प्रेसिडेंट बने, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस मूव्ड। इसमें क्या हुआ था, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी जो हैं, इन्होंने रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस का पास करवाया था पहली बार। उसके बाद 1928 वाला मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे, ये 1928 में कलकत्ता में हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस है कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है 1929 में लाहौर में हुआ था, लाहौर वाला भी इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, ये वाला भी क्या है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। उसके बाद 1931 वाला कराची, 1931 वाला क्या कराची में हुआ था, 19 में वल्लभ भाई पटेल, सिर्फ 1931 वाले में वल्लभ भाई पटेल ने ले लिया था। इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को पास किया गया था। उसके बाद रिजोल्यूशन लाया गया था, ठीक है। 1934 में बॉम्बे में हुआ, राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1934 वाला का अगर इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ था। 1934 में क्या हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। 1936 में लखनऊ, 1936 में लखनऊ में हुआ, इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। सपोर्टेड फॉर सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी, इसमें क्या हुआ, सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी का सिग्निफिकेंस। उसके बाद 1937, फिर से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा सेशन था जो गांव में किया गया था। 1937 में फैजपुर में हुआ था, इसको जो लीड कर रहे थे यानी इसके जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड था और INC जो है सबसे पहली बार गाँव में हुआ था, फैजपुर गाँव में हुआ था। 1937 वाला जवाहरलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे। फिर 1938 में क्या हुआ था, हरिपुर अधिवेशन था, मतलब हरिपुर सेशन था। 1938 में हरिपुर सेशन, इसको लीड किसने किया था, इसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज वाज टू कवर आल्सो प्रिंसली स्टेट। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, इसको सुभाष चंद्र बोस जीते थे। लेकिन क्या हुआ था कि महात्मा गांधी थोड़े नाराज हो गए थे, वो खुश नहीं थे, तो इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि छोड़ दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था प्रेसिडेंट के पद से, और फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो मैं कहीं कहीं से क्वेश्चन एक दो पुट आउट करती हूँ, आप लोग आंसर देखो। देखो 1922 वाले में किसने, कौन था प्रेसिडेंट 1922 वाले में, चित्तरंजन दास, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहली वुमन प्रेसिडेंट जो है, इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन से सेशन में बनी थी, जल्दी बताओ, कहाँ पे हुआ था वो, कानपुर में हुआ था, है ना, कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। 1925 वाले में वुमन प्रेसिडेंट बनी हुई थी, ठीक। 1922 मैंने पूछ लिया, 1925 वाला कानपुर। 1917 में कौन थी, एनी बेसेंट। और 1924 क्यों फेमस है, गांधी जी इसमें पहली बार ये हुए थे। और फैजपुर वाले में क्या हुआ था कि फैजपुर वाले में जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये पहला था जो गांव में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1907 में क्या हुआ था, 1907 में सूरत में हुआ था, रास बिहारी बोस ने किया था, इसमें कांग्रेस से स्प्लिट हुआ था। उसके 9 साल बाद 1916 में हुआ था लखनऊ में, AC मजुमदार इसको प्रिसाइडेड किए थे और कांग्रेस का मर्जर हुआ था और पूना, और इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का अपना पैक्ट भी पास हुआ था, ठीक। उसके बाद सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले तो हमारा मुंबई में, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बॉम्बे में हुआ था 1885 में। इसके डब्ल्यू सी बनर्जी इसको प्रिसाइड किए हुए थे, ओके। और 1886 पे फिर सेकेंड सेशन था, ये दादाभाई नौरोजी ने किया था। 1887 वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले मुस्लिम बद्रुद्दीन त्याबजी बने थे, ओके। तो ये आई होप कुछ कुछ याद हो गया होगा, दो तीन बार देखने से याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।